रावत सेना ब्यावर का वंदे मातम क्रांति मंच ने शारकी कसाबान मोहल्ले में संचालित अवैध बूचड़ खानों को बंद करने की मांग की है। उक्त मांग को लेकर शुक्रवार को सेना तथा मंच के पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि ब्यावर नगर परिषद प्रशासन द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए आए दिन शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाता है, परंतु ब्यावर नगर परिषद से मात्र 100 मीटर की दूरी पर संचालित मीट मांस की दुकानों पर मृत पशुओं के अंगों को गैर कानूनी तरीके से लटकाकर प्रदर्शन किया जाता है। साथ ही लोहारों के चौपर से नगर परिषद मार्ग पर अतिक्रमण हो रखा है, जिसके कारण आम शहरवासी का उक्त मार्ग से गुजरना दुश्वार हो रखा है। अतिक्रमण से अटे उक्त क्षेत्र में हर तरफ मृत पशुओं के अवशेष बिखरे रहते हैं, जिसके कारण यहां का माहौल भयानक दिखाई देता है। ज्ञापन में शीघ्र ही उक्त क्षेत्र से अवैध बूचड़खानों तथा अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। इसके भाव में आगामी दिनों में उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। ज्ञापन देने वालों में रावत सेना के महेंद्र सिंह रावत, शैलेंद्र साकला, संजय राकेश, गंगा सिंह, गोविंद गुर्जर, सागदर रजत सिंह, प्रकाश गड्डी, विष्णु रजत सिंह, राजावत, रामस्वरूप गुर्जर, गौरव गुर्जर तथा तरुण सिंह सहित बड़ी संख्या में अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। वर्षों से हमारा विधायक और 10 वर्षों से हमारा बोर्ड होने के बावजूद भी नगर परिषद के 100 मीटर के पीछे 100 मीटर के पास में जिस तरह की अवांछित गतिविधियां हो रही है, अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं और अतिक्रमण हो रहे हैं, ये प्रशासन के लिए और ब्यावर शहर के लिए बड़ी शर्म की बात है। आज हम सब ने मिलकर एजीएम साहब को ज्ञापन दिया। अगर हमारे ज्ञापन पर अति शीघ्र गौर नहीं किया गया तो लोकतांत्रिक तरीके से हम ब्यावर में इसके विरोध में बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारे को सड़कों से जयपुर तक भी जाना पड़े तो हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि आज कसाबान मोहल्ले में कोई व्यक्ति कार तो बड़ी दूर की बात, टू व्हीलर लेके भी नहीं निकल सकता है। ब्यावर नगर प्रशासन शहर के हर तरह का अतिक्रमण तोड़ देता है, हटा देता है। नगर पाले बाजार में 10 बार निकल जाता है, एक बार आप हिमाकत तो करो कि कसाबान मोहल्ले में जाकर अतिक्रमण हटाए। क्यों कुंभकर्ण की नींद प्रशासन सो रहा है, क्यों आंख मूंद कर प्रशासन बैठा है? पूर्ववर्ती अभी ब्यावर में जो घटना घटी वो उसी को आधार मानते हुए आज हमने ये ज्ञापन दिया है। एक हमारा माली समाज का भाई बाइक लेके गया, उनको बुरी तरह पूरे औरतों ने आदमियों ने सबने मिलकर कसाबान मोहल्ले में बुरी तरह मारा। ये सारी गतिविधियाँ कैसे हुई वो आपको पता है, जिस तरह ताजिए निकले थे शहर में, ताजिए लेकर लोग तिरंगे ऊपर हरे झंडे लेकर चांगेट पे चढ़े, प्रशासन उनको भगाया मार के। ये ताजिए के बाद ऐसा क्यों होता है? हिंदू धर्म में हजारों ऐसे जुलूस निकलते हैं, संघ का पथ संचलन निकलता है, कई सालों से लगातार हिंदू धर्म के किसी लोगों ने आज ऐसा खुलकर कभी आगे आकर कोई विरोध नहीं किया, कोई दंगा नहीं किया। आज इन्हीं को ऐसी क्यों कि वो आज हरियाणा की स्थिति देखो, मेवात की स्थिति देखो, आज इनको ऐसा किसका प्रोत्साहन है, किस सरकार का प्रोत्साहन है कि वो आज ये अवांछित गतिविधि कर रहे हैं, शहर का माहौल खराब कर रहे हैं।